कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है और वायदा करा है कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों के अंदर विश्वास रखते हुए वो आगे काम करेंगी। हमारे मंच पर बैठे हुए हमारे पूर्व विधायक धर्मपाल सांगवान जी, सेठ सुरेश पडवानिया जी, परमानंद सरोहा जी, हंसराज फोगाट जी और हमारे राम सिंह जी, यहाँ आए हुए सभी पूजनीय बुजुर्गों, आदर के योग मेरे भाइयों और बहुत बहुत प्यारी मेरी माताओं बहनों, चुनाव का समय है और आप सब जानते हैं जगह जगह पर चुनावी सभाएं हो रही हैं। भिवानी जिला जो है जिसको अब अलग उसमें से निकाल के एक दादरी जिला भी बना दिया गया, ये चौधरी बंसीलाल जी की जन्मभूमि, कर्मस्थली, सब कुछ जो कुछ भी आप समझे वो है। और आज भिवानी दादरी का नाम पूरे हरियाणा में ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर जब लिया जाता है तो चौधरी बंसीलाल जी के साथ जोड़ के लिया जाता है। सब जानते हैं कि चौधरी बंसीलाल जी यहाँ जब मुख्यमंत्री बने तो अपने इलाके का क्या हाल था, मुझे तो खुद नहीं मालूम था, मैं तो ब्याह के आई थी, लेकिन सारी कहानियां जब बताई जाती थी तो हैरान भी होती थी ये सुनकर कि कितने आगे की सोच वो विकास पुरुष की थी, आगे के 60-70 साल के आगे की सोच जो है चौधरी बंसीलाल जी की थी और उन्होंने वो करके दिखाया जो अपने आप में आज भी एक रिकॉर्ड और हिस्ट्री बनी हुई। मुझे हैरानी होती है जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैंने 18,000 गांव के अंदर बिजली पहुंचा दी। हमारे भिवानी के अंदर ही नहीं, सारे भिवानी, जब मैं कहती हूँ दादरी उसका हिस्सा है तो ये मत सोचना क्योंकि अभी नया बना है, हम तो एक ही मानते हैं, पूरे हरियाणा के अंदर 1969 के अंदर बिजली के लट्टू घर घर के अंदर चसा दिए थे, सड़क बना दी, नहरों से लबालब कर दिया इलाका, वो टीबों का इलाका जहां कुछ नहीं उगता था। चौधरी सुरेंद्र सिंह मेरी जब शादी हुई मुझे बताया करते थे कि हम जब स्कूल जाया करते थे गोलागढ़ से निकलकर पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, अपने कुर्ते को लेकर आगे यूं करके उसमें पानी डालकर छान के, बारिश का जो पानी था वो छान कर हम पिया करते। और आज इस इलाके का वो हाल है कि हमारे टीबों के ऊपर स्ट्रॉबेरी उगती है, धान की खेती होती है और किसान जो है उसको वो दिखा दिया जो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि यहां हो सकता है। कहने का मतलब ये कि जब काम करने की चेष्टा होती है और कलम की ताकत उसके अंदर आती है, ये दोनों चीजें मिलकर एक अजूब कहानी, एक अजूबा कहानी बनाकर आगे बढ़ती है, वो चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा के लिए करा। लेकिन जीवन का आप जानते हैं ये चक्र जो है, जो आना है इसने जाना भी है, तो इसी तरह से आज हमारे बीच में चौधरी बंसीलाल जी नहीं रहे ना चौधरी सुरेंद्र सिंह जी रहे। मैंने भी अपनी राजनीति दिल्ली से शुरू करी, कभी सोचा नहीं था कि हरियाणा में जाकर जो है कमान जो है वो संभालनी पड़ेगी, लेकिन जो प्रभु इच्छा वो तो पूर्ण होती है। सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद पिछले 14 साल आप लोगों के बीच में रहकर संघर्ष करा है और
सांप सीढ़ी का जो खेल मेरे साथ खेला गया, उससे बच बच कर निकल कर राम ने जो है इस तरह की कृपा करी और आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिला, श्रुति को मिला, कि आज हरियाणा के अंदर उस स्तर पे आके खड़े हो गए। यहाँ मुझे सारे अपने कार्यकर्ताओं की शक्ल जब दिख रही है बड़ा अच्छा लगता है। जहाँ जहाँ और खास तौर से माताएं बहनें जब इतनी सारी तादाद में होती है तो भाई मेरा खून जो है शेर से सवा शेर हो जाता है। दो चार चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। मनीषा जी ने अपने फाउंडेशन के बारे में कहा, बड़ी अच्छी बात है कि जन सेवा के लिए कोई काम करे, इससे बढ़ के और कुछ नहीं होता। और मैं आपको बधाई देती हूँ कि छोटी सी उम्र में आप ये काम कर रहे हैं और मुझे मालूम है आने वाले समय में नियत और ईमानदारी के साथ जब आदमी काम करता है तो निश्चित तौर से वो आगे बढ़ता है। यहां पर जो भी समस्याएं हैं, विधानसभा में विपक्ष की नेता होने के नाते मैंने पुरजोर तरीके से उठाई। अभी मैं मनीषा जी को सुन रही थी, ये जब कह रही थी आपकी जो 10 ऐसे 13 गांव ऐसे हैं जहां पर पानी की बहुत ज्यादा जो है समस्या है, जहां पर पानी जो है इतना इतना भरा पड़ा रहता है कि हमारे किसान जो है वो अपनी फसल बोने में असमर्थ। विधानसभा के अंदर एक बार नहीं, कम से कम 3 बार जो है ये रिकॉर्ड है। और मेरा सारा का सारा जो मैंने वक्तव्य उसके अंदर रखा विधानसभा में, वो रिकॉर्डेड है और आपको जो फेसबुक के ऊपर है आप देख भी लीजिएगा। ये समस्या मैंने उठाई कि जब हमारे खेत जो है जलमग्न हुए, हमारे किसान भाइयों ने अपने ट्रैक्टर लगाकर निकासी करी, उनका जो ट्रैक्टर का जो पैसा उनको मिलना चाहिए था डीजल का वो तक नहीं मिला। सही बात है या नहीं? और निकासी की बात छोड़िए, मुआवजे की बात छोड़िए, एक फसल खराब होने की बात छोड़िए, दो फसल जो है वो किसान भाई की खराब हुई, हो या नहीं हो भाई? तो मैंने ये डिमांड रखी विधानसभा पटल के अंदर कि आपको मुआवजा देना पड़ेगा, एक फसल का नहीं दो फसल का आपको मुआवजा देना पड़ेगा। और विधानसभा के अंदर हमारे मुख्यमंत्री ने ये बात स्वीकारी कि हाँ दो फसल खराब हुई है और इसका हम मुआवजा देंगे। अब भाइयों मुझे बताओ, फसल का मुआवजा आप तक पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा तो हाथ खड़े करके बताओ भाई, नहीं पहुंचा। ये है इनके झूठ, इस तरह की झूठी बातें करते हैं। सदर पटल के ऊपर जो बात कह दी जाती है वो आप समझ सकते हैं कि उससे आगे बढ़ के बात नहीं होती, लेकिन ये पहली ऐसी सरकार देखी जो सरेआम खुलेआम झूठ बोलती है और उसका नतीजा जो है इनको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इन्हें मालूम है आने वाले समय में ये नहीं आने वाले। कई चीजें ऐसी हैं जो हम विधानसभा में खड़े होकर जब मैं पूछती हूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार ये बात कही कि मुझे तो मालूम ही नहीं, मैं अभी नया हूं, मैं सीख रहा हूं। अरे भाई, नए के लिए थोड़ा ना सरकार बनाई थी, सरकार लोगों के काम के लिए बनाई थी या नहीं बनाई थी? आप अगर सीख ही रहे हैं तो लोगों का क्या होगा? तो इस तरह के लोग जो हैं आज के दिन सत्तासीन हैं और इसलिए ये सरकार जो है पूरी तरह से नाकामयाब है, पूरी तरह से विफल है और आज हर वर्ग जो है वो त्रस्त। ये जो 13 गांव हैं, आपको मैं आज बताना चाहती हूं कि हमने इसके ऊपर जो ये मनीषा जी आपको बता रही हैं, मनीषा जी शायद आपको भी नहीं मालूम, ये जो विधानसभा के अंदर ये बात मैंने उठाई उसके बाद कम से कम 20 बार विधानसभा के बाहर मैंने ये बात जो है अफसरों के साथ करी रखी और ये कहा कि एक इस तरह से इसका समाधान नहीं होगा कि अभी पैसा दे दिया, कल अगर जन्मगन होगी फिर नहीं दिया, कि इसका समाधान तभी होगा जब आप एक ड्रेन पूरी तरह से बनाएंगे। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहती हूं कि
ये सरकार ने तो करना नहीं। लेकिन यहां तक आपको मैं बोल के जा रही हूं कि मेरी प्राथमिकता सबसे पहले यह होगी कि आपके जो 13 गांव हैं जो जलमग्न हो जाते हैं, ये ड्रेन बन के तैयार करी जाए ताकि आने वाले समय में आपको उसका कोई परेशानी ना हो। आप लोग, मेरी माताएं बहने बैठी, श्रुति जब पिछली बार चुनकर गई तो केंद्र सरकार से 1,000 करोड़ रुपया जो है नाबार्ड के रूप में वो लेकर आई, जिसका नतीजा ये हुआ दादरी दादरी के अंदर खाली अकेले, जहां पे जो आपके गांव भी शामिल हैं, हर एक गांव के अंदर टंकी दी, बोर करवाए, बताओ भाई करवाए या नहीं करवाए, और साथ के साथ सीवर जो है कम से कम 44 करोड़ रुपए का सीवर जो है वो दादरी शहर के अंदर डलवाया। ये सारा काम जो हुआ ये श्रुति के पैसों से हुआ। सौभाग्य की बात ये थी कि मैं उस समय मंत्री थी जन स्वास्थ्य की, तो फटाफट जो है वो काम हमने आपका कर दिया। एनसीआर में श्रुति आपको लेकर आई कि आने वाले समय में दिल्ली के साथ आप जुड़ रहे हैं, जब आपकी जमीनें जो हैं वो अधिकृत होंगी या ली जाएंगी तो उसका मुआवजा जो है आपको दिल्ली के बराबर का मिलेगा। और आज मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखती हूं कि आपका ये जो ग्रीन कॉरिडोर था, वो ग्रीन कॉरिडोर जो है वो केवल इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि सरकार आपको आपका उचित मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं। सही बात है या नहीं है? तो इस तरह से जब होता है तो नाइंसाफी होती है और जनता के साथ जो है गुमराह करने वाली बातें जो करी जाती हैं वो सही नहीं। साथ के साथ मेडिकल कॉलेज आप अपने फाउंडेशन से काम कर रही हैं, बहुत अच्छा। श्रुति चौधरी ने 250 करोड़ रुपया 5 साल पहले, नहीं 10 साल पहले, कम से कम 5 या 6 7 साल पहले, 7 साल पहले मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दिलवाई भिवानी के लिए। 250 करोड़ रुपया उसका अलग से रखवाया गया। 2 मेडिकल कॉलेज को उस समय रजामंदी मिली थी, एक भिवानी के और दूसरा चूरू। सोनिया गांधी जी ने स्वयं अपने हाथों से जो है भिवानी के लिए ये सौगात दी। लेकिन आज राजस्थान वाला जो मेडिकल कॉलेज है वो बन के तैयार हो गया और हमारा मेडिकल कॉलेज आज उसके ऊपर एक ईंट नहीं लगी। ये भिवानी के साथ करा गया। तो भिवानी के साथ हमेशा दो भात करी गई। लोग आते हैं यहाँ वोट मांग के जाएंगे और वे भाई अपना काम कर करा के पार हो लेंगे, कोई लेना देना नहीं, ये कहानी। और मोदी जी आए सरकार बनाकर बड़े बड़े वायदे करे या नहीं करे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिनों में सबने सोचा भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, महंगाई कम होगी। 400 रुपए का सिलेंडर जब नहीं हुआ था गैस का तो बड़ा बड़ा आंदोलन करा। हमारी एक मंत्री है यहां पर बीजेपी के, अर्धनगन होके उन्होंने आंदोलन करे, हाय महंगाई, सारा रिकॉर्डेड बात है। आज वही गैस का सिलेंडर कितने का हो गया बहनों? 800, 900, कई जगह 1,000 हो गया, नहीं हो गया? कहा था काला धन लाऊंगा, बड़े लच्छेदार भाषण देकर मोदी जी ने कहा था, नहीं कहा था काला धन लाऊंगा? काला धन तो आया को नहीं भाई, जिसका काला था इनके धोरे सारा दिया सफेद कर, इतना और कर दिया मेरी माताओं बहनों ने जो जोड़ जोड़ के रखा था वो और थारा काट के ले गया नहीं ले गया, सत्य बता भाई, सारी की सारी जोड़ के रख रही थी या नहीं, सारा जो है निकाल दिया, छोड़ दी और बना दी भाई 15 लाख की, तो क्या बात है। सारी ने नहीं सोचा पिछली बार मोदी जी ने जब कहा 15 लाख आएंगे तो सारों ने कहा भाई 15 लाख, हमने भी सोचा भाई 15 लाख अगर किसी गरीब के आते हो तो कोई बात नहीं भाई, एक बार हार के बैठ जाएंगे घर में, क्या फर्क पड़ता है, 5 साल बाद देख लेंगे अगर किसी का फायदा होता हो।
15 लाख की तो बात छोड़ो, तुम्हारा अपना हुआ जो बचाया हुआ धन जो था वो नोटबंदी के अंदर आपका सत्यानाश दिया कर, किसान का अलग कर दिया, व्यापारी भाई का अलग कर दिया, जीएसटी लगा के सत्यानाश और कर दिया। तो ये कहानियां जो हैं ये हमारे मोदी जी की हैं कि जब और कुछ नहीं मिलता ये लंबी चौड़ी जो है ये भाषण दिए जाते हैं। अब जो है जनाब किस पे मांगते हैं वोट, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगी जा रही है और हमारे बच्चों जो बच्चे जो हैं उनको गुमराह करा जा रहा। सुनने की बात है, कहते हैं कि जो हमारे शहीद हुए हैं, ये मोदी जी ने खुद मन से कहा कि जो शहीद हुए हैं अपनी वोट जो है उन शहीदों को समर्पित करो, कहा या नहीं कहा? अब पूछो भाई, राजनीति इस स्तर तक गिरा दी कि शहीदों के ऊपर जो है राजनीति करी जा रही। ये कभी इस देश में नहीं हुआ, पहली बार ये हुआ। और आज मैं बताना चाहती हूं आपको कि इस तरह की जब बातें आती हैं समझ जाओ इनके पास कुछ नहीं है, ये खोखले हो चुके हैं। देख लिया आपने 5 साल के अंदर, किसान भाई ने अलग देख लिया, व्यापारी ने अलग देख लिया, महिलाओं ने देख लिया, कर्मचारियों ने देख लिया, हमारे जो शिक्षित हैं जो हमारे शिक्षक हैं उन्होंने देख लिया। इस सरकार के पास कुछ नहीं, डुगडुगी बजाकर ये मदारी की तरह जो है ये नई नई बात और नए नए जुमले लेकर आते हैं। आपको आज मैं इस मन से कहना चाहती हूं कि इंदिरा गांधी जी 1971 का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए इंदिरा गांधी ने, करे या नहीं करे भाई बताओ, करे ना? 90,000 सेना पाकिस्तान की जो लड़ रही थी बांग्लादेश में उसका आत्मसमर्पण इंदिरा गांधी ने करवाया। आज तक किसी ने ऐसा काम करा है क्या बताओ? किसी ने करा है? नहीं करा। और पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजादी दिलवाई, इधर हम घिरे हुए थे पाकिस्तान से, इधर भी पाकिस्तान, ऊपर चीन, बीच में हम सुखड़े हुए, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए। ये इंदिरा गांधी की सोच थी कि ये पाकिस्तान को तोड़ दो ताकि कम से कम एक तरफ से जो है हमारे पास जो है इनके पास कुछ करने के लिए नहीं रहेगा, ये आतंकवाद नहीं फैला पाएंगे। और आज उसका नतीजा बांग्लादेश, बांग्लादेश कैसे आजाद कराया? मुक्ति वाहिनी को तैयार करा गया जो वहां पर जिन लोगों ने लड़ाई लड़नी थी, जैसे हमारे आंदोलन जब हुआ था आजादी का आंदोलन तो आजाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस जी ने खड़ी करी थी, इसी तरह से बांग्लादेश के अंदर चुपचाप इंदिरा जी ने मुक्ति वाहिनी का गठन करवाया, अंदर अंदर भेज भेज कर जो है सारे लोगों को खड़ा करा। और जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई की बात हुई और ये देखा कि ये मुक्ति वाहिनी पूरी तरह से सक्षम नहीं है, तो आप जानते हैं हिंदुस्तान की फौजों ने तहमत बांध कर अपनी बंदूकें उठाकर मुक्ति वाहिनी बनकर पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी थी। किसी को मालूम है इन बातों का? एक आपको मालूम होगा। और भाई मेरा बाप, मेरे पिताजी ब्रिगेडियर आत्मा सिंह, उन्होंने भी उसमें शामिल होकर वो कमांड कर रहे थे एक रेजिमेंट को, तहमत बांध के लड़ाई लड़ी मुक्ति वाहिनी बनकर। इस तरह से इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आजाद करवाया, ये बात रिकॉर्ड की है और सत्य बात। कभी भी इतिहास के अंदर फौज के ऊपर राजनीति नहीं करी गई, कोई सरकार आए कोई सरकार जाए, सरकारें तो आएंगी, ये प्रजातंत्र है, कभी कोई आएगा कभी कोई आए, सही है या नहीं? सही मानते हो ना इस बात? तो लेकिन फौज के ऊपर और फौजियों के, हमारी जो वीरांगनाएं, हमारे जो शहीद हैं,
उनके भावना से आप खेलते हो और राजनीति करते हो। तो भाई एक फौजियों की बेटी होने के नाते जिसने तीन तीन मेरे पिताजी ने लड़ाई लड़ी है और खुद घायल हुए हैं, मुझे दुख होता है, बहुत दुख होता है कि इस तरह से राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवाद है ही नहीं, आप इस तरह से जब बात करते हो तो समझ आ जाती है सामने कि इनके पास कुछ नहीं है, खोखलापन के अलावा इनके पास कुछ नहीं रहा। यानी लंबा मैं नहीं कहूंगी, एक बात आज कह के जाती हूं सबको बीच में। सबसे पहले हमारी सरकार जब बनेगी, पहली कलम से सारे किसान भाइयों का कर्जा माफ करेंगे। उसके बाद आज जो ये ऑनलाइन का सिलसिला शुरू कर रखा है, दुखी हो रहा है किसान भाई, हो रहा है नहीं हो रहा? कैसा ऑनलाइन भाई, ऑनलाइन ऑनलाइन आते, मतलब ये है कि चहेते जो है उनको फायदा पहुंचाने की बात है खाली, और तो कोई को नहीं। सही बात है या नहीं? ये ऑनलाइन का सौदा भाई कति खत्म कर दूंगी, याद रखियो। उसके बाद जो हमारा जीएसटी लगा हुआ है, पहली बार ये हुआ है, देखो किस तरह के लोग, किसानों के ऊपर जीएसटी लगा दिया भाई। किसान के जो उपकरण है, जो ट्रैक्टर है उसके पीछे कंबाइन है, उसका जो थ्रेशर है उसका वो है, उस पर जीएसटी लगा दिया, नहीं लगा दिया? लगा दिया ना भाई। सबसे पहले ये वायदा है कि जो कृषि के उपकरण है या कृषि के संबंधित जो भी काम है उसको जीएसटी से बाहर करेंगे। व्यापारी भाई के लिए जीएसटी का सरलीकरण करेंगे। 5 साल जीएसटी को पायलट मैंने करा है, अंतर इस पूरे हिंदुस्तान का जो है, सारी स्टेट्स के जब बैठते थे समन्वय कमेटी, उस कमेटी की जो है सदस्य मैं थी, सारे प्रदेशों के अलग अलग मंत्री आया करते थे, मुझे एक एक चीज का इस चीज का मालूम है। और हमने जीएसटी इसलिए नहीं लागू होने दी क्योंकि हम जानते थे कि जब तक ये समन्वय नहीं बनेगा, और टैक्स का मतलब ये है जीएसटी का, वन नेशन वन टैक्स, कि एक देश उसके ऊपर एक टैक्स। इन्होंने क्या करा, एक देश और उसके ऊपर 5 स्लैब कर दिया, नहीं कर दिया भाई? और फिर उसके बाद ऐसा हाल कर दिया कि पूरे दिन जो है, पूरे महीने व्यापारी जो है वो तो चोर बना दिया, किसान वैसे चोर बना दिया कि अपने बैठ के जो है अपना टैक्स रिटर्न भरने के लिए अपने मटे जाओ पूरे महीने। सही बात है या नहीं? ये काम इन्होंने करा भैया, ये सारा का सारा ये इसलिए करा क्योंकि ये अनुभवहीन ही नहीं परवाहीन है, इनको लोगों से कोई लेना देना नहीं। नोटबंदी जो इन्होंने करी, अपना पैसा लेने के लिए हम लाइनों में खड़े होए, होए या नहीं होए? और उस समय कहते हैं इस देश के लिए सबसे बड़ा काम करा हमने। बताओ आज इनके घोषणा पत्र के अंदर नोटबंदी का जिक्र ही नहीं, आज जिक्र दोबारा से करते हैं धारा 370 की। आप लोगों को मैं ये बातें इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप अपने इलाके में जाके ये बात बताओ, महिलाओं को शायद समझना है, लेकिन मैं भाइयों को बताना चाहती कि धारा 370 जो है इन्होंने समाप्त करने की बात कही थी। कही थी या नहीं कही थी बताओ भाई? घोषणा पत्र के अंदर कही थी? वहां पीछे बैठे हो भाई, बताओ, इधर खड़े हो जाओ भाई, थोड़े इधर वाले लोग नहीं दिख रहे मेरे, वो अतर वगैरह नहीं दिख रहे, इधर हो जाओ, हाँ इधर ना हो, हाँ। तो कहने का मतलब मेरा ये, लोगों ने इनका चश्मा पहन के मोदी का इतनी वोट गाल गाल के भेजी भाई, मोदी मोदी घर घर मोदी, हो रही थी या नहीं? मोदी हो रही थी ना, चश्मा पहन के भाई गाल दिया, 2/3 वोट देकर भेजा इसको, 2/3। और इन्होंने क्या करा सरकार बनाने के बाद, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ली, बना ली नहीं बना ली? उसके साथ सरकार बना ली जो आज कहती है वही मैं
महबूबा मुफ्ती कि 2022 के अंदर हमारा प्रधानमंत्री अलग होगा? कहा या नहीं कहा? और कहा कि हम हिंदुस्तान से अलग हो जाएंगे। तो देखो सोचो, हमारे जवान शहादत देते हैं, खून की बलि देते हैं अपनी, लाखों वीरांगनाएं जो हैं और उनके बच्चे जो हैं सालों साल तक जो है जीवन भर की उनके बर्बादी हो जाती है। और बीजेपी गुरेज नहीं करती उन्हीं लोगों से हाथ मिलाने के लिए जिनके कारण ये होता है। सही बात है या नहीं है? ये मानते हो आप लोग या नहीं? इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूं कि अगर 370 धारा इन्होंने समाप्त करनी होती तो भाई कौन रोक रहा था मोदी को? कौन रोक रहा था? दो तिहाई बहुमत, उधर सरकार इनकी, 370 धारा जो है गई हवा में। 5 साल बाद फिर से याद आ गया, क्योंकि लोगों को बेवकूफ बनाना। एक चीज इन्होंने करी है और वो क्या करा है, इन्होंने देश का विभाजन करने की पूरी तैयारी कर ली। पहले तो मजहब के ऊपर कि मारो इनको, आपस में करो, हिंदू मुसलमान कर दो, जहां हिंदू मुसलमान नहीं है वहां जात पात कर दो, तू फला जात कर दिया, नहीं कर दिया? बताओ भाई, सही बात है या नहीं? कभी भी हमने ये चीजें सुनी नहीं थी। चौधरी बंसीलाल जी के घर में छत्तीस बिरादरी की बात होती, और हमारी परवरिश इस तरह से है कि रूह जो है वो तो सबकी एक है, कोई जात में कोई दूसरे में जन्मा हो, भगवान के पास वो रूह जाती है तो यूं तो करके नहीं जाती ना कि भाई वो जाट की है या राव की है या किसी और की है। सही बात है या नहीं? सही कह रही हो नहीं कह रही हो? तो फिर किस बात का जात पात? और दुर्भाग्य की बात ये कि वोट मांगने जब आते हैं तो झोली फैला के कहते हैं तुम मेरी जात के हो, बुरा मत मानना, लेकिन याद रखना इस बात, जो आदमी काम करता है और उसको उसका सिला नहीं दिया जाता, और जात पात के नाम पे जिस नेता को दिया जाता है वो नेता कभी मुड़कर नहीं आता, नहीं आता ना। अब ये मेरे गांव बैठे हैं इतने सारे, जात पात के नाम पर वोट जरूर ले गए। बताओ भाइयों बहनों, कितनी बार हमारे सांसद साहब जो हैं आपके पास आए क्या? आपके पास काम करने के लिए आए? आपका भला बुरा पूछने के लिए आए? नहीं आए, फिर भी आप वोट देते हैं। वोट देते हैं इसलिए वो नहीं आते हैं, उन्हें मालूम है बैठे बिठाए वोट मिलने। आज किसी गांव के अंदर गए, कल की बात है, तो गांव वालों ने कहा कि भाई तूने तो हाथ खड़े कर दिए थे और कह दिया था मैं इस लायक की को नहीं, कहा था या नहीं कहा था? कहा ना कि तू इस लायक नहीं है तो मेरा वोट किस लिए मांगने आया? विरोध हो रहा है गांव गांव के अंदर। सुनो बहनों एक मिनट, हेलो, ओ बहन जी बैठ जाओ, एक मिनट मेरी बात सुनो, वो जो है विरोध हो रहा है गांव के अंदर, तो लोगों ने कहा भाई 5 साल तो तेरी शक्ल देखी नहीं, तूने खुद कह दिया मैं लायक नहीं तो वोट मांगने क्यों आया भाई? तो कहता है माना उसने, कहता हाँ बात सही है मैं लायक नहीं हूं पर मैं तो मोदी के नाम की वोट मांगने आया हूं। तो बताओ भाई ये काट की हांडी दोबारा चढ़ेगी क्या? बताओ पीछे वाले, बताओ भाई, तुम बताओ भाई सारे नहीं चढ़े, क्योंकि वोट जो है वो ना जात की होती है, ना पात की होती है, ना मजहब की होती है, ना किसी और चीज की, भाईचारे की होती है। वोट जो है वो इलाके के विकास की होती है, वोट जो है अपने काम की होती है। और अगर वोट सही जगह डालोगे तो कुछ बन जाएगा। चौधरी बंसीलाल जी जैसे बने थे, काम हुआ, दबा के हुआ या नहीं हुआ? हमारे को आपने जिताकर भेजा श्रुति को, तो जो हमारे लायक था, मुख्यमंत्री की कलम नहीं थी उस समय,
लेकिन कोई काम में कमी नहीं छोड़ी भाई, बताओ सही है या नहीं। तो भाई हमने काम किया, अब 5 साल जो है अगले को मालूम था कि मोदी के नाम पे वोट लेके गया है, फिर से आ जाऊंगा मोदी का नाम लेके भाई, काम करने की क्या जरूरत है, समझ रहे हो। तो नेताओं के भाई फर्क नहीं पड़ता, याद रखियो, जीत गया तो मौज में ईश्वर का, हार गया तो कोई फायदा कोई फर्क कौन पड़े, क्योंकि बतेरा कमा लिया 5 साल, सही बात है या नहीं। कोई दुखी हो रहा है, कोई आंट रहा है, तो वो हमारा किसान और हमारी महिलाएं, हमारी सारे के सारे कर्मचारी दुखी हो रहे हैं, कोई आवाज उठाने के लिए नहीं। आज हमारा इलाके के अंदर पानी की इतनी कमी है, समान बंटवारे की बात मैं करती हूं, आपको बताना चाहती हूं मैं यहां कि एसवाईएल के ऊपर तो भाई राजनीति करके दिया खत्म कर। अब एक विकल्प है हमारे किसानों के खेतों की, जो तिसाए खेत हैं, और वो है भाखड़े का पानी। तो भाखड़े का पानी भाई आज के दिन भी 20-20 दिन 22-22 दिन जो है सिरसा साइड में लगता है, जाके देख लियो, देख लेना जाके भाई। और हमारा यहां जब इस तरफ मैं आती हूं तो मेरा अभी जी सुकड़ जाता है देखकर, क्या लहराते खेत उधर और हमारे टिब्बे सूखे। तो जी भाई बहुत दुख पाओ मेरा। एक विकल्प है और वो विकल्प ये है कि भाखड़ा का पानी आज जो हमें मिल रहा है उसका समान बंटवारा हम करवाएंगे। ये मोटी कलम मेरे हाथ में आण दो बाण, फिर देखियो तब मैं किस तरह से काम करती हूँ। पर उसके लिए आप सबको मेरा साथ देना पड़ेगा, और आप लोगों को एकजुट होकर करना पड़ेगा, अपनी वोट मत खराब करना। ये सारी दूसरी पार्टी आपने देख ली भाई, दो फाड़ गई हो कार्यकर्ताओं के ऊपर, मुझे तकलीफ होती है, दर्द आता है, बेचारा जाए कहां, आपस में लड़ रहे हैं, सही बात है या नहीं। इसलिए छोड़ छोड़ के बेचारे आ रहे हैं जिन्होंने सारी उम्र अपनी दे दी। तो कहने का मतलब ये कि अपना वोट जो है बहुत सोच समझ कर वोट का दान दिया जाता है, तभी ये सारे इतने बड़े बड़े जो है मीटिंग्स होती है। ये नहीं है यूं ही डुगडुगी बजाई और फिर होली है पार, एक ग्रागणी सुन ली, दो चार भाषण सुन ली और हो गया खत्म काम, सही बात है या नहीं। ये वोट जो है ये आपके विकास की वोट, श्रुति को आप वोट देकर भेजते हैं तो आप निश्चित तौर से मेरा हाथ मजबूत करेंगे, चिंता को नहीं मनने तो। एक बात बताऊं, बाबा जी हूं मैं, सच्ची बात बताऊं, सबके मैं देख लिया भाई, सबके मैं आड़े ही देख लिया और आड़े ही छोड़ के जाना है ना। तो ये मैं और श्रुति अगर काम कर रहे हैं ना, और मैं तो खास तौर यूं करे भाई कि अपना कर जाओ जो कलम की ताकत है वो कर जाओ, ताकि आने वाले टाइम में जो कर तुम चौधरी बंसी लाल ने याद करो, कभी मेहनमन ने भी याद कर लिया भाई। और एक बड़ी बात और बता के जा रही हूं, आखिरी में रखी मैंने ये बात, कांग्रेस ने ये घोषणा करी है कि हमारी सरकार जब बनती केंद्र में तो आपको जो गरीब होगा, मतलब उसको कोई जरूरत नहीं है कोई कार्ड लेने की फला लेने, जो गरीब आदमी है जिसकी 12,000 रुपए की इनकम से कम है, समझ रहे हो, चाहे किसान हो चाहे कोई वर्ग का हो, कोई छत्तीस बिरादरी का, जिसकी आमदनी 12,000 से कम है, उसके खाते में सालाना 72,000 रुपया उसके खाते में आएंगे। और महीने के 6,000 रुपया, साल के 72,000, और किसके खाते में आएंगे, आएंगे कैसे भाई, आओगे औरतों के खातों में आओगे। सारी बहनें तो राजी हो जाती हैं, बाकियों के सारे मुंह उतर लेती हैं। ये इसलिए करा, याद रखियो, ये सोच इस कितनी सोच है आगे की, कि एक महिला है जो अपना घर बनाती है,
बनाती है नहीं बनाती, जो सवारती है बच्चों को आगे बढ़ाती है। और भाई अगर कोई ऐसा तैसा हो तो भाई उसके तो आगे 6,000 रुपए महीने के काम धंधा करना नहीं, अपने लेके होगा पार और गुड़की मार के होगा पार, होगा ना। तो भाई इसी बात को नहीं ओढ़ने, औरत के हाथ में होगा तो भाई वो करेगी अपने बच्चों का काम पहले, अपने घर का, और फिर अगर गुड़की मारने वाली बात होगी तो कह देगी भाई तो चल, वो भी उसने भी सारे हाथ जोड़ने पड़ेंगे। तो राजी हो जाओ, ये है कांग्रेस का काम, समझ रही हो, ये कांग्रेस का वायदा है। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जब कमेटी के अंदर ये बैठ के सारी बात हो रही थी, राहुल गांधी और हम सब इकट्ठे थे, कम से कम एक साल से मंथन चल रहा था इस पे कि किस तरह से ये पैसा दिया जाए। उसका पूरा का पूरा खाका जो है वो तैयार कर लिया गया, 15 लाख की तरह झूठा वायदा नहीं होगा, समझ गए ना। तो अब जाओ अपने अपने इलाके में और 23 तारीख को पेंशन जो है वो तो पेंशन आएगी भाई, जिसकी पेंशन है वो पेंशन आएगी, और पेंशन के अलावा जो आज के दिन ये जो है ना खाते में तारे डालने शुरू कर दिए, 2,000 रुपया डाल रहे, नहीं डाल रहे तारे कोनी आएंगे, वो 2,000 रुपये कोनी आए, मर रहे बट्टे। बहुत झूठे भाई, मैंने तो सोचा कम से कम 2,000 तो आ लिए होंगे, ये भी मैं तुमने बता दूं क्यों करा रहे हैं, थोड़े बहुत आए हो। ये जो है आधे तो पेंशन जो है वो डिले कर दी नहीं कर दी, 2-2 महीने 5-5 महीने पेंशन नहीं मिल रही, सही है या नहीं। तो भाई वो पेंशन थारी रोक के और वो 2,000 खातों के अंदर डलवाने की बात हो, एक तो ये देख लो किस तरह के जो है इनकी बुद्धि किस तरह की है, झूठी बुद्धि। और दूसरी बात कि भाई थारा अपना पैसा, वो कहना अपना नून और अपना चून, पानी अपना क्यों कर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हरेक के खाते में जो केसीसी कार्ड है जिसका, उसके कटते हैं ना साल के 6,000-12,000 रुपए तक कटते हैं, नहीं कटते, कटते हैं कि नहीं भाई, साल में 2 बार कटते हैं, और कितने कटते हैं भाई बता, 1 किले के 1,000 रुपये। हाँ 1 किले के 1,000, तो मतलब कम से कम जो है 6,000 तो है ही, 5-6,000 छोटे से छोटा किसान का कटता है, कटता है नहीं कटता। तो भाई ये 6,000 और 12,000 किसी का 6 कटे किसी का 12 कटे, थारी जेब कटे, कटे नहीं कटे, ये थारी जेब से काट के दूसरी तरफ से डालने की कोशिश कर, समझ गए। ये है कहानी बीजेपी की, बहुत झूठी पार्टी भाई, इसे तो झूठे देखे ही कौन। वो तो अलग है, खाद कम, यूरिया कम, उसका कट्टा कम, सबके में कम, जमींदारा तो बिल्कुल ही कम, खत्म। हाँ सारा डीजल महंगा सबके में। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार इनको बरतना जरूरी था, वो बरत गए भाई। ये बार बार जो है जो कर, पहले कहा था मैंने काट की आंटी कौन चढ़े भाई, कौन चढ़े ना। तो थारे धोरे कोई आओगा कि फले जा फला जात ने घेर दियो भाई, बताओ भाई महिलाओं तुम तो बता दो कम से कम, ये जात पात पे तो कौन ही घेरोगी, हाथ खड़े करके बताओ। थारे गांव वाली जो है चीना मिश्री और ये सारी मैं देखूंगी इस बार, समझ गई ना। हाँ। तो अपनी वोट दियो और भाई घर वालों ने भी संभालियो, क्योंकि ये जो मैंने बातें कही हैं ये सत्य बात, जीवन में झूठ नहीं बोला, राजनीति कोई स्वार्थ के साथ नहीं मैं करती, मेरा ध्येय केवल एक है कि मैं आपका नाम आगे बढ़ाऊं, जैसे आपका नाम पहचान चौधरी बंसीलाल जी के साथ थी, इसी तरह से नाम जो है आपका हरियाणा में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं बढ़ाऊं, ये मेरा जो है सपना है। और तुमने मेरा हाथ दिया, साथ दिया, तो भाई निश्चित तौर पे ब्राह्मण ने जो भेजा है ना मेरे को दिल्ली से उखाड़ के,
15 साल जो है इतना मेरे को तपाया है। वो कहते हैं ना पिट पिट के सोना जो है निखर जाता है, तो वो हाल हो गया भाई मेरा ही, बेरा पाट लिया हरियाणा की आखिरी छोर तक, और एक एक बात हरियाणा की मन ही आ गई भाई। जब आई थी जब तो बेरा नहीं था, ये सारा बेरा लिया पाट, ये ब्राह्मण ने भेजा है और इतना संघर्ष करवाया है तो किसी काम खातर ही करवाया मैंने बेरा, क्योंकि मैं अपने खातर तो पूछ लू को नहीं। आज तक एक किसी का देला लिया को नहीं, कोई लांछन को नहीं, ना उल्टे काम करो और ना थारा नाक नीचे हो। तो 23 तारीख ने श्रुति का नामांकन है, सुबह 9:30 बजे जो है किरोड़ी मल पार्क में इकट्ठे होंगे और उसके बाद वहां से जुलूस के तौर पर श्रुति को आशीर्वाद देने के लिए हम साथ चलेंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है सारे कार्यकर्ताओं से कि आप लोग जुट जाओ और 23 तारीख को भारी से भारी संख्या में आओ, ताकि पूरे हरियाणा में एक मैसेज जाए, ये भाई दुनिया देख रही है थारी तरफ कि सबसे पहली सीट अगर निकलेगी वो श्रुति चौधरी की निकलेगी। बताओ भाई निकलेगी नहीं निकलेगी? वो तब निकलेगी जब तुम तगड़े हो जाओगे, समझ गए? तुम तगड़े हो भाई तो जिन वो कहते ना कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो तुम्हारे को पिछाड़ सकती। और कार्यकर्ताओं को मैं आखिरी में हर बार एक बात कहती, मेरा जीवन समर्पित है कार्यकर्ताओं के लिए। सुरेंद्र की आखिरी आवाज थी तो भाई ढीला काम छोड़ दो, दिखावे वाली बात ना रखियो, अब अपने इलाके में घुसो, काम करो, जो काम करता है वो नजर आता है। और भाई थारा जो है सोच समेत जो है टाइम आने पे भाई किरण चौधरी थारा लुटा के जाओगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मनीषा जी आपका भी धन्यवाद, आपने ये जनसभा सारी करवाई और आप आगे बढ़कर काम करो और हमारी पार्टी का जो है मुख्य मेन धारा जो है उसमें सम्मिलित होकर आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। किरण चौधरी जी।